हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही अरबी। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने पहले अरबी को वॉश कर लिया है। मैंने इसे 3-4 पानी से वॉश कर लिया है ताकि इससे सारी मिट्टी हट जाए। और अब मैं इसे रख रही हूँ प्रेशर कुकर पे, तो हम इस पे 2 सीटी लगाएंगे। यहाँ मेरी अरबी हो चुकी है, मैंने इसे निकाल लिया है। अरबी को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए, इससे इसका स्वाद खराब हो जाता है, तो मैंने इसे इमीडिएटली हटा दिया। अब हम सारी अरबी छील लेंगे। अब यहाँ मेरी सारी अरबी हो गई है, तो हमें बस इस अरबी को मीडियम साइज में कट कर लेना है। ज़्यादा छोटा मत करिएगा। हमने अरबी को कट करके रख लिया है। अब हम करेंगे सब्जी की प्रिपरेशन। तो सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए जखिया, मैं जखिया यूज़ करती हूँ, आप चाहिए तो जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा बेसन, आधा कटोरी दही और कस्तूरी मेथी। सबसे पहले हमें दही और बेसन को मिक्स कर लेना है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। हम इसे थोड़ी देर साइड रख लेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप चाहे तो घी या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे जखिया। ये राई नहीं है, जखिया और राई में अंतर होता है। जखिया हम उत्तराखंड से ही लेके आते हैं, तो जखिया ऐसे दिखता है, थोड़ा फ्लैट होता है ये। हरी मिर्चा, टमाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस पर डाल रही हूँ नमक ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। देखिए अब हमारे टमाटर अच्छे से हो चुके हैं, तो इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें दही और बेसन का मिक्सचर डाल देंगे और अब हमें इसे अच्छे से मिलाना है। दही बेसन का मिक्सचर हमेशा कम आंच में डालें, अदरवाइज दही फटने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे थोड़ी देर तक पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। अब ये अच्छे से हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे अरबी। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये सब्जी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी
और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक अरबी के अंदर मसाले अच्छे से चले ना जाएं। थोड़ी देर इसे ढककर पका लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये थी दही अरबी की सिंपल रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।